बिल्कुल हलवाई की दुकान की तरह ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं आज, एकदम नरम और खाने में बहुत ही टेस्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी फूड विद ज्योति। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पकोड़े बनाने की रेसिपी, जो बिल्कुल ही हलवाई की तरह बनेंगे। तो चलिए जल्दी से ब्रेड पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके बाद 1 कटोरी बेसन, 2 से 3 आलू, हरी चटनी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और थोड़ी सी धनिया। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके अंदर की स्टफिंग बना लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में आलू लेंगे मैश किए हुए, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक। फिर इन सबको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे जिससे मसाले आलू में बराबर मिल जाएं। ये देखिए, इस तरह हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, तो हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम सब चीज़ों को एक जगह रख लेंगे, जैसे कि ब्रेड के स्लाइस, हरी चटनी और आलू की स्टफिंग। अब हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस पर ये हरी चटनी लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह। और बाकी 2 ब्रेड के स्लाइसेस में हम आलू का मसाला इस तरह बराबर पतला पतला स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा आलू का मसाला नहीं लगाना है, वरना ब्रेड चिपकेंगे नहीं, वो खुल जाएंगे। ये देखिए। और फिर इसके बाद इसके ऊपर हमने जो ग्रीन चटनी लगाई थी ब्रेड के दूसरे स्लाइस पर, उसे इस तरह रख कर प्रेस कर देंगे, जिससे दोनों ब्रेड के स्लाइस चिपक जाएँ अच्छी तरह से। इन्हें इस तरह कट कर लीजिए बीच से। और अब हम एक तरफ तेल गरम होने रख देंगे। जब तक तेल गरम होता है, तब तक हम अपना बेसन का घोल बना लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 1 कटोरी बेसन लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी डालकर इसे प्रॉपरली फेंट लेंगे, जिससे इसमें लम्स बिल्कुल ना रहें, एकदम स्मूथ बैटर जैसा को घोल लेना है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद हम हर एक ब्रेड स्लाइस को इस तरह डिप करेंगे और तुरंत ही तेल में तलने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, एकदम तेल गरम होना चाहिए और इसे इस तरह रहने दीजिए थोड़ी देर। उसके बाद टर्न कीजिए, मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से कुक कर लीजिए। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, जो बचे हुए ब्रेड पकौड़ा हमने बनाए थे, उसे भी बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते जाइए हरी चटनी के साथ। तो आप ब्रेड पकौड़ा ज़रूर बनाएं और चाय के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।